हाँ तो हमारी लिस्ट में पहली नंबर पे है यूनिवर्सल कॉपी। यूनिवर्सल कॉपी एक ऐसा ऐप है जो आपको टेक्स्ट कॉपी करने में मदद करता है। जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे आप स्क्रॉल करते हैं, आपको किसी का कैप्शन अच्छा लगता है, या इंस्टाग्राम में कोई और ऐप ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट करना होता है बट आप नहीं कर पाते हैं, तो यूनिवर्सल कॉपी जो है वो आपको मदद करता है कि आप वो टेक्स्ट सेलेक्ट कर पाएँ और उसे कॉपी करके अपने मेमो में या फिर अपने नोट्स में आप सेव कर पाएँ। आइए देखते हैं ये ऐप कैसे वर्क करता है। जैसे कि इंस्टाग्राम पे मान लीजिए मुझे कोई एक पोस्ट अच्छा लगता है, उस पोस्ट के मुझे कैप्शन को जो है वो मुझे कॉपी करना है, तो कुछ नहीं, आपको नोटिफिकेशन पैनल को नीचे ड्रैग कीजिए और जो आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है उसे सेलेक्ट कीजिए और अपने नोट्स में या फिर मेमो में या मैसेजेस में जहाँ पर भी आपका मन करे वहाँ पर जाकर आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो ये अभी जैसे अभी ये पूरा टेक्स्ट आ रहा है, आप चाहे तो इसका थोड़ा सा पार्ट सेलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे उसे सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद एडिट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। एडिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको जितना टेक्स्ट आपको चाहिए उतना टेक्स्ट आप कॉपी कर सकते हैं और अपने मेमो में जाके या नोट्स में जाकर आप उसे सेव कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सब लोगों ने अभी देखा कि मैंने अपने फ़ोन को सिर्फ उठाया, बिना किसी बटन को प्रेस किए उसकी स्क्रीन लाइट ऑन हो गई। तो हमारी लिस्ट में अगली नंबर पे है स्मार्ट वेक। तो स्मार्ट वेक का काम है कि आपके फ़ोन के मोशन को सेंस करके आपकी स्क्रीन लाइट को ऑन या ऑफ करना। दोस्तों हमारी लिस्ट में अगली नंबर पे है एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर। एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर कभी कभी बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर का काम है आपके एंड्रॉयड डिवाइस की लोकेशन को ट्रैक करना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम फ़ोन कहीं रख के भूल जाते हैं, या हमारे घर में कहीं फ़ोन होता है या हमारे आसपास कहीं फ़ोन होता है पर हमें घंटों लगा देते हैं उस फ़ोन को ढूंढने में, या फिर कभी हमारा फ़ोन चोरी हो जाता है, तो ये एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर उस टाइम पर बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम अपने जीमेल का आईडी पासवर्ड, जिस अकाउंट से हमने उस फ़ोन के अंदर साइन इन कर रखा था उस अकाउंट से हम साइन इन कर लेते हैं। और साइन इन करने के बाद ये ऐप आपको आपके एंड्रॉयड डिवाइस की एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है। अगर आपका फ़ोन कभी चोरी हो गया है या फिर आप कहीं पे भूल गए हैं तो आप इसे जूम इन कर के इस मैप को आप वहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता चल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाकर अपना फ़ोन उठा सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन होता है कि अगर आपका फ़ोन आपके आसपास में कहीं है तो आप इसमें रिंग का ऑप्शन होता है, रिंग का आप ऑप्शन दबाएंगे तो आपका फ़ोन 10 से 15 मिनट तक बजता रहेगा फुल वॉल्यूम में। दोस्तों हमारी लिस्ट में अगली नंबर पर है क्लैप टू फाइंड। ये भी एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर से मिलता जुलता ऐप है बट इसमें कोई दूसरे डिवाइस की ज़रूरत नहीं है। ये मान लीजिए आपका फ़ोन कहीं अपने आसपास है, कहीं वो आपके बैग में है या कहीं पे है पर आपको मिल नहीं रहा है, आपको बहुत टाइम लग रहा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 3 क्लैप करके अपने फ़ोन को ढूंढ सकते हैं। दोस्तों कि जैसा आप सब लोग जानते हैं कि आजकल हर एक एंड्रॉयड डिवाइस में फिंगरप्रिंट स्कैनर आ रहा है। फिंगरप्रिंट स्कैनर आपका फ़ोन अनलॉक करने में काम आता है, तो क्यों ना दोस्तों हम फिंगरप्रिंट स्कैनर का कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कि ये ऐप क्या करता है। इस ऐप का नाम है फिंगरप्रिंट जेस्चर्स। जैसे कि मैंने अभी स्नैपचैट खोला है, अभी आप देख सकते हैं कि मैंने अपने फ़ोन पर सिंगल टैप किया और वो बैक हो गया। अब मैंने डबल टैप किया और रिसेंट ऐप्स खुल गई। तो ये ऐसे ही काम करता है। अगर आप अपने आपका फ़ोन रूटेड है, आपका डिवाइस रूटेड है, तो आप इसमें और भी चीज़ें और भी जेस्चर्स फीड कर सकते हैं। तो हमारी लिस्ट में अगली नंबर पे है थर्ड आई, मतलब तीसरी आँख। तो तीसरी थर्ड आई एक ऐसा ऐप है जब आपके फ़ोन पे में कोई आपके पासवर्ड को गेस करने की या आपके पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश करता है तो वो उसी टाइम आपके फ़ोन के फ्रंट कैम से उसकी फ़ोटो कैप्चर कर लेता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप अपने फ़ोन को अनलॉक करें तो वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ जाती है कि इस टाइम पर आपका फ़ोन को अनलॉक करने की कोशिश की गई है। तो आप उस ऐप को खोल सकते हैं और उस ऐप को खोलने के बाद आपको उसकी फ़ोटोज़ दिख जाती हैं, उसके फ्रंट कैम से जो फ़ोटोज़ आई हैं क्लिक हुई हैं
जब उसको क्रैक करने की कोशिश की गई है तो आपको पता चल जाता है कि किसने आपके फ़ोन को अनलॉक करने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में अगली नंबर पे है फिंगर। फिंगर एक ऐसा ऐप है जिससे आप अपने स्क्रीन पे कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो उसका ऐप या उससे असाइन जो भी कमांड है वो खुल आएगी। जैसे मैं कब अपने स्क्रीन पे W या F लिखता हूँ तो फेसबुक या व्हाट्सएप खुल जाता है। और अगर मैं इसमें और भी जेस्चर्स फीड कर सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं इस पे प्लस बटन पे प्रेस किया उसके बाद में जैसे मैं किसी को बहुत फ्रीक्वेंटली कॉल करता हूँ तो फिर मैं एक काम कर सकता हूँ कि उसके नाम का या उसका कॉन्टैक्ट को मैं एक जेस्चर बना लूँ ताकि अगली बार जब भी मैं उसके नाम का फर्स्ट लेटर या कोई भी एक ड्राइंग या कुछ भी ऐसा पैटर्न बनाता हूँ तो ऑटोमेटिकली उसे कॉल हो जाएगी विद इन अ सेकेंड। तो ये थे कुछ ऐप्स जो आपके स्मार्टफोन एक्सपीरियंस को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं।